गया है कि अगर आप ये पुरुषों का दिया गया है सरलिंग का, अगर आप 178 मतलब ये 2 मिनट 8 2 मिनट के अंदर आप आते हो, 2 मिनट 4 सेकंड आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप इससे कम में आते हो तो आपको इससे नंबर मिलेंगे। ये सारे नंबर का ब्यौरा दिया गया है। हम चाह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड का नंबर दिया गया है तो हमें काफ़ी अच्छा मिले। हम सूखे ग्राउंड में ये सभी बच्चे ये अपने PCC दिया पूरा सर, पानी ऐसा हो रहा है सर, नहीं चल पाता सर, सबसे अभी वर्तमान परिस्थिति में सर ग्राउंड कोई सच्चा नहीं, सभी सभी जो ग्राउंड ये जो हमारा जो ये जो हमारी मांगे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का जो फिजिकल लिया जा रहा है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में 3 दिन वाला, बल्कि अगर आप देखोगे उसके बाद में 2 तारीख के बाद से 16 अक्टूबर तक यहां पर कोई फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि वहां छुट्टी दी है नवरात्रि को लेकर। तो हमारा ये कहना है कि बारिश की वजह से मैदान गीले हैं और इस बार आपका स्कोरिंग हो रहा है, तो हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, गृह विभाग से, कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। इनकी जो 3 दिन की आपने जो तिथि दी है इसको प्लीज आपसे निवेदन है बढ़ा दे, ताकि बच्चा सूखा मैदान मिलेगा, सूखे मैदान में बच्चा दौड़ने को तैयार है, गीले मैदान में नहीं दौड़ पाएगा। इस बार स्कोरिंग है, क्वालिफाइंग नहीं है। एक एक मीटर एक एक सेकेंड जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि प्लीज आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इनके शारीरिक परीक्षण की तिथि में परिवर्तन जल्द से जल्द करें। हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम कल से धरने पर बैठने वाले हैं, हम कल से धरने पर बैठने वाले। और अगर इस बीच अगर ये फिजिकल लेते हैं और बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है और बच्चा अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके लिए गृह विभाग मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे। क्यों 14 महीने तक फिजिकल नहीं लिया आपने और 14 महीने बाद आप जागे और वो भी बारिश में बच्चे को दौड़ा रहे हो। ये 10 सेंटर दिए गए, हर सेंटर पर 6000 बच्चे फिजिकल देंगे, टोटल 59800 विद्यार्थी दौड़ेंगे इस बार, 59800 विद्यार्थी इस बार दौड़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि सरकार से जिस तरीके से आपने 23 से 28 वाली तिथि में परिवर्तन किया, इसमें कर दो आप 3 दिन, और हर जगह 6000 विद्यार्थी दौड़ रहा है और 3 दिन के बाद सीधा 13 दिन का गैप है, सीधा 13 दिन का गैप है, छुट्टी होती है। तो हम आप यही चाहते हैं कि इसमें चेंज हो। अभी आप कहां-कहां शिकायत कर चुके हैं? अभी हमने बालाघाट में शिकायत की है, हमने मुरैना में शिकायत की, ग्वालियर में की, हमने भोपाल में शिकायत की है, जबलपुर में शिकायत की है और आज हम इंदौर में यहां पर शिकायत करने को आए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, बच्चों को जबरदस्ती दौड़ाया जाता है, अगर बच्चे को गीले मैदान की वजह से अगर कुछ होता है तो उसके लिए गृह विभाग जिम्मेदार होगा। आज आप ज्ञापन देने आए, ज्ञापन के द्वारा आपकी मांगे जो ज्ञापन जब हमने दिया है, ADM साहब ने यह कहा है कि वो मेल कर देंगे और शाम तक कोई जानकारी देंगे। अगर शाम तक अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं आती है तो सभी युवा ग्राउंड के बाहर PTC मैदान जहां जहां पर सेंटर हो सेंटर के बाहर ही हम धरने पर बैठेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल प्रजापत, आंदोलनकारी। ये आज जो कुछ बच्चों ने ज्ञापन दिया है, जो पुलिस परीक्षा तैयार कर रहे थे, कांस्टेबल आरक्षक स्तर के परीक्षा तैयार कर रहे थे, उनका ये कहना है कि अतिवृष्टि के कारण जो है ग्राउंड्स काफी गीले हैं और हमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वह काफी टफ है और ऐसी स्थिति में हमें दौड़ने में परेशानी होगी, अतः ये जो है एग्जाम जो है इसकी डेट को पोस्टपोन किया जाए और हमें सूखे ग्राउंड पर और अच्छे ग्राउंड पर हमें एग्जाम कराया जाए ताकि हम अच्छे से अपनी पूरी क्षमता के साथ एग्जाम कर सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।